हमने ग्रीन टी के बारे में बहुत सुना है कि ये आपको हेल्दी रखने के लिए कितना हेल्पफुल है। वेल, क्या वाकई में ये आपके लिए हेल्दी है? न्यूट्रिशनिस्ट टोनी ट्रान का ये कहना है कि ग्रीन टी कंटेन करता है कैफीन एंड एल-थियानिन। ये कंपाउंड्स ब्रेन के फंक्शन और मूड को इम्प्रूव करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इन ह्यूमन सजेस्ट करता है कि ड्रिंकिंग ग्रीन टी रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज। इनफैक्ट मॉर्निंग बेस्ट समय होता है ग्रीन टी पीने के लिए। इनफैक्ट न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूलोवा ओइतनजी का ये कहना है कि ग्रीन टी हेल्प करता है इन वेट लॉस। दिस इज बिकॉज इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। हाउएवर कंज्यूमर्स को ये देखना चाहिए कि वो कितनी कैलोरीज ले रहे हैं बाकी खानों से टू बी फिजिकली एक्टिव। ग्रीन टी रिच रहता है इन पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज होती हैं। देयरफॉर ग्रीन टी हेल्प करता है टू प्रिवेंट सेवरल हेल्थ कंडीशंस क्लोजली रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि आपका कोई भी बॉडी का हिस्सा रेड हो जाता है, स्वोलन हो जाता है और काफी पेन होता है आपको उस हिस्से में। इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जिनको कैफीन सेंसिटिविटी है वो डेवलप कर सकते हैं एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और इंसोम्निया आफ्टर टेकिंग ग्रीन टी। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ ग्रीन टी मे बी एसोसिएटेड विद लिवर डैमेज। रिकमेंडेड है कि आप ग्रीन टी को डेली कंज्यूम करें, स्पेशली वो लोग जिन्हें कैफीन सेंसिटिविटी नहीं है। अबाउट 3-5 कप्स आपको ग्रीन टी लेना चाहिए डेली। हाउएवर आपको रिप्लेस नहीं करना चाहिए दिस विद एनी अदर फूड। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।